आज की मेरी रेसिपी है अचारी भिंडी। भिंडी ज़्यादातर बच्चों को बहुत पसंद आती है और ये झटपट बन भी जाती है। और ये रेसिपी जो मैं आज बताने वाली हूँ, ये आप फटाफट बना के बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है। यहाँ मैंने भिंडी को साफ करके दोनों किनारे काट लिए हैं। अब अचारी भिंडी बनाने के लिए हम भिंडी को इस तरह से काटेंगे। इसे बस एक साइड से कट करना है, दूसरा सिरा इसका जुड़ा रहेगा। यहाँ मैंने सारे भिंडी को काट लिया है। अब हम मसाले की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच पचफोरन लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च और 2 बड़े चम्मच धनिया। इन मसालों को अब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सारे मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक इससे अच्छी खुशबू ना आने लगे। इस मसाले को हम तैयार करके अच्छे से एक डब्बे में बंद करके रख सकते हैं, और जब कभी भी हमारी इच्छा हो अचारी सब्जी खाने की तो इसका उपयोग कर सकते हैं। मसालों को हम बराबर चलाते हुए भूनते रहेंगे ताकि ये सभी तरफ से अच्छे से भून जाए। मसालों से अब अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इन मसालों को हम पीस लेंगे। यहाँ मैंने 4 कली लहसुन और 1 हरी मिर्च लिया है। इसको अब हम खल में कूट लेंगे। कूटे हुए मसाले में अब हम 1/2 चम्मच अचारी मसाला मिलाएंगे, थोड़ा सा हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू का रस डाल के हम सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से मिल चुका है। अब हम इन मसालों को सारे भिंडियों में इस तरह से भर लेंगे। सारे भिंडी हमारे इस तरह से तैयार हो गए हैं। अब हम कढ़ाई में लगभग 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और इसमें अपनी सारी भिंडियां डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर भिंडी को पकने देंगे। अब इसे 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद इसे हम दूसरी तरफ से पलट लेंगे। मीडियम फ्लेम पर अब भिंडी को हम चारों तरफ से पलट पलट के पकाते रहेंगे जब तक कि सारे किनारे इसके लिए थोड़े थोड़े ब्राउन ना हो जाएं। अब ये अचारी भिंडी हमारी तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर मेरी अचारी भिंडी की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो घर पे आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि मेरी अचारी भिंडी की रेसिपी कैसी लगी और आपकी भिंडी कैसी बनी। थैंक यू।